दुआ कमर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दुआस लाइफ। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो ये है मेरा व्लॉग नंबर 5। बेसिकली आज है संडे, तो हमारा अचानक प्लान बन गया, शाम के बज रहे हैं 5:30, तो हमने सोचा कि क्यों ना चलते हैं, सी साइड से होकर आते हैं और कहीं बाहर डिनर वगैरह करते हैं, क्योंकि अब्बू का संडे का दिन ऑफ होता है और बाकी जो पूरा वीक होता है 6 दिन का, 7 दिन होते हैं वीक में, बट 6 दिन जो होते हैं अब्बू काम पर होते हैं, तो उन्हें टाइम नहीं मिल पाता है फैमिली के साथ। और मुझे मतलब मेरे मदर के डॉक्टर ने भी हमें एडवाइस दी थी कि इनको जो है आप बाहर लेके जाया करें थोड़ा बहुत, ताकि इनकी तबीयत में बेहतरी हो। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हम लोग चलते हैं आउटिंग पे, सी व्यू चलते हैं। काफ़ी टाइम हो गया, टाइम से मेरा 2 साल हो चुके, 3 साढ़े 3 साल कह लें कि हो चुके हैं, और हम लोग सी व्यू नहीं गए हैं, तो बस सी व्यू जा रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग किमाड़ी पहुँच चुके हैं गलती से, क्योंकि जैसे मैंने बताया था वीडियो के स्टार्ट में कि 2 से 3 साल हो गए और हमें रास्ता नहीं पता था सी व्यू का, वो भूल चुके थे, तो फिर हमने गूगल मैप का इस्तेमाल किया और हम सी व्यू पहुँचे। सी व्यू काफ़ी चेंज हो चुका है, इन लोगों ने यहाँ पे बाग बना दिया ताकि फैमिलीज आके यहाँ बैठ सकें, और ये माशाल्लाह अम्मी अबू हैं मेरे, और फिर आगे बाउंड्रीज खड़ी कर दी हैं, और फिर रेत ही रेत है, और पानी काफ़ी दूर जा चुका है। पहले पानी बहुत करीब हुआ करता था कि वो बाउंड्रीज से टकराता था रात के वक्त, लेकिन अब पानी बहुत दूर हो गया है। और वहाँ पर इन लोगों ने ये गाड़ियाँ होती हैं, तो वो सजी भी बहुत होती हैं दुल्हन की तरह, तो वो चलाना स्टार्ट करती हैं जिसपे मुसाफिर बैठते हैं और पानी के साइड तक जाते हैं। तो हमने भी वो गाड़ी करवाई थी जिसमें मैं अम्मी अबू बैठे थे, और उसने 300 रुपये लिए थे आने जाने के, और सिर्फ वहाँ जाने के, और वहाँ मतलब पानी में नहीं जाना था हमने, तो सिर्फ हमने आने जाने के किए थे। और वहाँ पर जाके जब हम साले समंदर के में पहुँचे पानी के करीब, तो हमने वहाँ पे बस पिक्चर्स क्लिक करी और हम लोग फिर वापस आ गए, क्योंकि हमें पानी में जाना नहीं था, रात का वक्त था और बहुत ख़तरनाक होता है, लहरों की आवाज़ सुनिएगा। बस वो 5 से 7 मिनट का टाइम था कि हम लोग वहाँ पे हमने स्टे किया और हम लोग फिर वापस आ गए पिक्चर्स वगैरह लेके। तो ये वापसी आने का व्यू है, बहुत हसीन लग रहा था माशाल्लाह। टी टाइम पे अम्मी अबू ने पी चाय, मैंने नहीं पी क्योंकि मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं था चाय पीने का। बस वहीं पे हम लोगों ने चाय के साथ पापड़ एंजॉय किए, और मैं छोटे समोसों की तलाश में आई थी जो कि आखिरकार मुझे मिल गए, लेकिन वो सिर्फ 6 बजे थे, तो वो मैंने जल्दी से बाय कर लिए ताकि ख़त्म ना हो जाए। अबू ने यहाँ पे लिया पेटीज, अब सही सच्चा रिव्यू दें आप। और फिर वापसी में भी यही हुआ कि हम लोग घूम चुके थे, तो फिर मैंने मैप का इस्तेमाल किया और हम लोग जल्दी से अपने घर पहुँचे, घर नहीं पहुँचे बल्कि हम लोग रेस्टोरेंट गए थे डिनर के लिए। तो हम गए थे पेशावरी बारबेक्यू एंड फास्ट फूड, यहाँ का खाना बहुत मज़े का था, लेकिन अगर सच बोलो तो मुझे यहाँ का पिज़्ज़ा और एक हमने एक चीज़ मंगवाई थी चरगा, हाफ चरगा, तो वो बिल्कुल पसंद नहीं आया, मतलब बना हुआ सही था बट टेस्ट में इतना कोई खास नहीं था। तो यहाँ पर अबू दे रहे थे ऑर्डर, और यहाँ मुझसे बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था खाने के लिए क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी। आधा चल गया है, छोटा है, चाँप पे दिखाइएगा। यह है अफ़गानी सीख बोटी जिसको मैंने चांपे कह दिया था गलती से, और ये बहुत मज़ेदार थी, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं। ये पर सीख जो आपको 60 रुपीज़ की मिल जाएंगी। अबू यहाँ पे ट्राई गए थे चरगा जो कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया, और मैं चरगा बहुत अच्छा बनाती हूँ जिसकी रेसिपी इस चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो ज़रूर देखिएगा और कमेंट में भी बताइएगा, ट्राई भी कीजिएगा। फिर मेरा आ गया था यहाँ पे पिज़्ज़ा, और मैंने जब पिज़्ज़ा खाया तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था पिज़्ज़ा। पर्सनली मैं अगर सही बोलूँ तो मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप यहाँ जाके पिज़्ज़ा ट्राई करें, बस उन्होंने जो पोस्टर लगाया था उसमें काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था तो मैंने ऑर्डर कर दिया। फिर हमने अपनी गाड़ी को खाना खिलाया और हम लोग वापसी के लिए निकले, और ये देख सकते हैं कि कराची को रोशनियों का शहर क्यों कहा जाता है, तो ये है कराची का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो
तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। आने वाली वीडियोस में मैं 30 दिन का चैलेंज कर रही हूँ वेट लॉस का, क्योंकि मेरा वेट गेन हो चुका है। तो इंशाल्लाह मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपकमिंग वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि मेरा पहले वेट कितना था और कितना मैंने गेन कर लिया और क्या वजह है जिसकी वजह से मेरा वेट गेन हुआ है। तो वो वीडियो देखने के लिए लाजमी बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।